सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। और आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 अपकमिंग PC लेवल गेम्स कमिंग टू मोबाइल। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे गेम्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस पर हमको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं, और इनकी जो ग्राफिक्स है, गेम प्ले है, PC लेवल के। एंड कुछ तो ऐसे गेम्स हैं ना जो कि PC के ही है और मोबाइल पर आने वाले हैं। बट हाँ, इसमें मैं पॉपुलर गेम्स को कवर नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि जो COD वॉरज़ोन, ऐसे गेम्स नहीं करूँगा जो सब जानते हैं। मैं कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताऊँगा ना जिनको बहुत कम लोगों को ही पता होगा। बाकी एक और चीज़ ये, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस लिस्ट में से आपको कितने गेम्स के बारे में पता था और कितने के बारे में नहीं। एंड चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है रेनबो सिक्स सीज मोबाइल। अब ये जो है ना, PC एंड कॉन्सोल्स पर एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। नो डाउट इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इसका गेम प्ले तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये जो गेम है ना, इसके र्यूमर्स आपको बहुत टाइम से देखने को मिल रहे होंगे कि ये जो गेम है ना, हमें मोबाइल पर देखने को मिलने वाला है। बाकी इसका कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, बट जो है ना, दो दिन से सुनने में आ रहा है कि ये जो गेम है ना, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमको नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में देखने को मिलने वाली है। एंड शायद इसकी अनाउंसमेंट हमको 6 अप्रैल के दिन देखने को मिल सकती है, लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं, बाकी जो भी है ना, इस गेम के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि ये गेम कैसा होने वाला है मोबाइल पर। एंड हमारा नेक्स्ट गेम बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी से है, जो कि है नीड फॉर स्पीड ऑनलाइन। अब ये जो गेम है ना, ये EA जो है ना, कोलैब कर रही है टिमी स्टूडियोज़ के साथ में। टिमी स्टूडियोज़ नहीं पता तो बता दूं कि टेंसेंट के अंदर में आता है। तो EA और टेंसेंट मिलकर एक न्यू ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हैं, रेसिंग गेम, जिसका जो है ना, नीड फॉर स्पीड्स की फ्रेंचाइजी से ही रिलेट करेगा। वैसे अभी तक इसको नीड फॉर स्पीड ऑनलाइन ही बोला जा रहा है, बाकी देखते हैं, इसका नाम शायद चेंज हो सकता है, मतलब प्रोबेबली चांसेस है नाम चेंज होने के। बट जो भी है, नीड फॉर स्पीड के अंदर में ही आएगा, एंड ये एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम होने वाला है। बाकी इस गेम की लॉन्चिंग ना अभी सबसे लेट होगी, मुझे लग रहा है कि इस पूरी लिस्ट में सबसे लेट नीड फॉर स्पीड ही लॉन्च होने वाला है। एंड ये जो गेम है ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल पर ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, और मैं बात कर रहा हूँ रोगो किंगडम गेम की। सही में इस गेम के बारे में बताए कौन जानते होंगे, जो कि डाई हार्ड पोकेमोन फैंस है ना, वो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि रोको किंगडम पोकेमोन जैसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला है। बट इसका जो ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट है ना, लिटरली में जो पोकेमोन के स्विच के गेम्स है ना, निंटेंडो स्विच के, जैसे कि स्वॉर्ड एंड शील्ड, एक्स एंड वाई, ये सब जो गेम्स है ना, उसके जैसा ही गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। लिटरली मतलब मेरे अकॉर्डिंग जैसा इसका गेम प्ले आया है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जेंसिन इम्पैक्ट के बाद में सेकेंड सबसे बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम होगा मोबाइल पर। सही में मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए, एंड जब भी ये गेम लॉन्च होगा ना, मैं ज़रूर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है कोड स्पार्क। अब ये जो गेम है ना, इसका ट्रेलर हमें 2 दिन पहले ही देखने को मिला है। अब इस गेम की खास बात ये है ना कि ये जो गेम है ना, अनरियल इंजन 5 पर बनने वाला सबसे पहला मोबाइल गेम है। अब देखते हैं ये हमें कब तक देखने को मिलता है मोबाइल पर। बट ये जो है ना, एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम होने वाला है, एंड इसका नाम में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोड तो हर चाइना गेम के आगे लगा ही देता है कोड, तो स्पार्क आप समझ सकते हैं, बाकी नाम में ज़रूर चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोबाइल पर अनरियल इंजन 5 के गेम कैसे होंगे, क्योंकि जो PC पर आया था ना द मैट्रिक्स, वो भी अनरियल इंजन 5 का गेम था, लिटरली में इतना रियलिस्टिक था ना। अब मैं यही देखना चाहता हूँ कि ये जो है ना, कैसा होगा मोबाइल पर अनरियल इंजन 5 का एक्सपीरियंस। और फाइनली अब हम उस गेम के बारे में बात करेंगे जिससे कि मुझे इस वीडियो का आइडिया आया था, यानी कि रो कंपनी मोबाइल। अब आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि रो कंपनी, जो कि PC का गेम है ना, वो हमारे मोबाइल पर आने वाला है। बट मुझे जो है ना, कल ही के दिन इसका गेम प्ले देखने को मिला, मतलब गेम प्ले लीक हो गया था ऐसे तो मतलब लिटरली जो है ना, मैंने इसका गेम प्ले देखा, इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब अभी अंडर डेवलपमेंट में है फिर भी इतना स्मूथ इसका गेम प्ले था ना कि सही में, और कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड गेम प्ले तो पूछो ही मत, और ग्राफिक्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब इस गेम को सही में एक बहुत ही अच्छा मल्टीप्लेयर गेम हम कह सकते हैं। अब देखते हैं ये हमें कब तक मोबाइल पर देखने को मिलता है, बाकी जब भी आएगा ना, मैं वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगा। और एक और चीज़ ये
कि आप चाहे ना तो इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाना तो आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन का। तो जब भी गेम आएगा ना तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। बाकी जो भी है मैंने तो कर लिया है रजिस्टर। एंड हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।